नवबुद्धाय जय भीम। मैं आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार समिति का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया लोगों को बुला करके इतना अच्छा आयोजन किया है कि यहाँ पर लोगों को ज्ञान की चर्चा सुनने को मिल रही है। यहाँ की समिति ने काफ़ी अच्छा प्रयास करके जो है पंपलेट छपवाए और घर घर जा कर के लोगों को बताया कि आपको जो है बुद्ध विहार में आना है। 11 बजे से धम्म चर्चा चल रही है, लोगों को बहुत अच्छा जो है ज्ञान मिल प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर DVS सेहरा जी ने अपने प्रवचन रखे, ज्ञान का भंडार खोला और अब श्रद्धेया राखी रावण जी बोल रही हैं और वो भी जो है धम्म का प्रचार कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं, अंधकार से निकालने का कार्य कर रही हैं और किस प्रकार हमको जीना चाहिए, बाबा साहब ने क्या क्या हमको आदेश दिया, क्या क्या संदेश दिया और किस धर्म को हमने स्वीकार करना है और किस धर्म की दलदल से हमको बाहर निकलना है, ये बाबा साहब ने हमको बताया। और अब राखी रावण जी हमारे समाज की सभी महिलाओं और पुरुषों को बता रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साधुवाद करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और क्वेश्चन, परिचय मेरा ये है कि मेरा नाम बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध है और मैं दिल्ली प्रशासन में फिजिकल टीचर हूँ, जिसको PET कहते हैं, PTI कहते हैं ये मेरा। और मेरा मैं वैसे तो रिटायर्ड हो चुका हूँ और रिटायर्ड तो हो चुके हैं सर, उसी पे एक प्रश्न निकलता है। यस, आपने ड्यूटी पीरियड में भी आपने समाज का काफ़ी साथ दिया है और सहयोग किया है जी, और इस प्रकार की जो भी चीज़ें जो आज चल रही है भीम चर्चा जी, बुद्ध विहार में, हम हर्ष विहार बुद्ध विहार में यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि आपके संज्ञान में हो रहा है जी। अब जो आपका रिटायरमेंट का दौर है, हाँ, उसके बाद क्या जीवन होगा आपका समाज के प्रति, आपका जीवन? हाँ, अब मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं समाज के लिए काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा धम्म का कार्य करूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप में जब भी कंप्लीट हो सकता है जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो और सोशली फिट हो। तो ये चारों क्वालिटी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं फिजिकली फिट रहूँ और मेंटली फिट रहूँ, इमोशनली रहूँ और सोशली समाज में रह कर के कार्य है। मैंने बहुत दिन से कार्य किया है, मैंने 1990 से जो है यहाँ इस बुद्ध विहार में डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार हर्ष विहार के लिए मैंने कार्य किया है, हमेशा इस यहाँ पर हर पद पर रह कर के मैंने कार्य किया है। और अभी भी अब मैं स्वयं पद पर नहीं रहता हूं, लेकिन दूसरों को हम पदाधिकारी बनाते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं और उनको साथ साथ सलाह भी देते रहते हैं कि साथियों आपको अब ये काम करना है। ये भी सलाह हमने दी थी कि यहाँ पर धम्म का प्रचार हो और किसी को बुलाया जाए, लोगों को ज्ञान चर्चा सुनाई जाए, ये कार्य भी हमारे माध्यम के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। और हमारा ये मेरा ये उद्देश्य रहेगा जीवन में कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं हमेशा धम्म के लिए, समाज के लिए कार्य करता रहूँगा।